नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई प्रदेश इलाकों में मौसम में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी दिखने को मिली है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्रों के पूर्वानुमान के अनुसार एक हफ्ते तक ऐसे ही लगातार मौसम में बदलाव रहेंगे। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं किन किन जिलों में मौसम विभाग ने वर्षा के साथ अलर्ट जारी किया है। कभी दिन तो कभी रात, अनुमान हर दिन वर्षा हो रही है। दक्षिण एवं पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से ऐसा हो रहा है। शुक्रवार को दिन और रात में जगह जगह वर्षा हुई है। पूरे बिहार में वर्षा का मौसम का हाल ऐसा ही है। शनिवार की सुबह भी राजधानी पटना समेत कई प्रदेश के इलाकों में बादल छाए रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश में खेतों से लगी धान की फसल को संजीवनी मिल रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार की सुबह के लिए दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल जिलों में कुछ भागों में हल्के फुल्के से मध्यम दर्ज की वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसको देखते हुए लोगों से पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की अपील की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि इस वर्षा से खेती किसान में काफी अनुकूल माना जा रहा है। खासकर धान की फसल बेहतर होने की उम्मीद बताई जा रही है। खेतों में खरे पतवार की समस्या भी काफी हद तक दूर रहेगी। आलू समेत अन्य सब्जियों की खेती के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। देश में मॉनसून का ट्रैक बदल रहा है। देश के पूर्वी भाग में वर्षा के निरंतर कमी आ रही है। वहीं पश्चिम भाग पर भगवान इंद्र ज्यादा मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। देश में औसत वर्षा से कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। ये बातें शुक्रवार को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मौसम विज्ञान के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों वर्षा के अध्ययन से पता चला है कि पूर्वी भारत में वर्षा में कमी आ रही है। इस वर्षा में मौसम विज्ञान देश के मॉनसून के दौरान 104% मॉनसून का पूर्वानुमान बताया था, लेकिन अब तक 107% वर्षा हुई है। वहीं बिहार के पूर्व में वर्षा लगभग 1200 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन 1000 मिलीमीटर से कम हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वर्षा और वज्रपात के कारण लोग अपने घर पे रहें और पेड़ों के नीचे ना जाएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।